नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, सब जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब सारे दुनिया में जहाँ हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और सब। दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिला है। आज तो सुबह ही स्टाफ के स्टाफ का बोल आया था कि मैडम, एक व्यक्ति का ऐसा था जिसके घर में बहुत परेशानी थी पैसों को लेकर के, लेकिन जो हमारा पायरेट उनके पास गया तो उनका फोन आया था कि अचानक हमें बहुत बड़ी रकम मिली। अचानक बड़ी रकम मिलने के भी दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है चैनल पर, नंबर्स की। अगर आप नंबरों को लिखोगे तो भी आपको अचानक धन मिलेगा। और पायराइट इज द बेस्ट ऑप्शन, ये वो पत्थर है जिसे सोना कहा जाता है। पायराइट अगर आपके घर में है, कभी पैसों की कमी नहीं, ये कहीं से भी पैसे लाता है, लेकिन लाता जरूर। हमारे यहाँ से जो पायराइट आपको दिया जा रहा है, आप कहीं पर भी दुनिया में इसको दिखा लो, 1000% ओरिजिनल रेगी की कोई भी चीज, कोई भी स्टोन हमारे यहाँ से जो आपको भेजा जाता है, करंट करके दिया जाता है और ओरिजिनल दिया जाता है। कई लोग अमेजोन पर बिल्कुल कम कीमत पर चीज दे रहे हैं क्योंकि वो नकली दे रहे हैं। जो चीज यहाँ से आ रही है 110% सही है, मंगवाए दोस्तों। जब ऐसे कॉल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यस, कुछ अच्छा हुआ। वैसे दोस्तों, पायराइट जिन्होंने भी मंगवाया है सभी को बहुत अच्छा अनुभव है। तो जिन्हें पैसों को लेकर लेकर के तकलीफ है, वो अपने घर में पायराइट जरूर मंगवाए। लंबे समय से कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत अच्छे 20 बॉक्स आए हैं दोस्तों। इसके अंदर तमाम साइन है, तमाम वो ये जो चित्र बने हुए हैं, जिससे आप तो चित्र ही कहेंगे, ये तमाम वो जैसे हम ओमकार को जानते हैं, स्वस्तिक को जानते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसे ये चौकुरे है, ये है सेहे की है, ये डालको माओ है, ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये ओम साज ये सोनन, ये जो बने हुए हैं चित्र, ये आपकी तमाम इच्छाओं को पूरी करते हैं। अपनी इच्छा लिख करके इसके अंदर रख दें, तुरंत इच्छा पूरी। कैसे करना है, हिंदी में इंग्लिश में लिख करके दिया हुआ है, इसमें जरूर आप इन चीज़ों को मंगवाएं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपकी किस्मत को बदल देती है। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, आज ही आमल की एकादशी, एकादशी हर हिंदू जानता है, एकादशी का व्रत इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी। आपकी उत्पत्ति जिनसे हुई है आपके पितरों से, पितृ अगर आपके शांत है, खुश, तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि की कहीं कमी नहीं होगी। पितरों को प्रसन्न रखना है तो एकादशी का व्रत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। आज भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें कम से कम 5 आंवले जरूर अर्पित करें। आज के दिन आंवले से, भगवान विष्णु की पूजा करने से इंसान की हर इच्छा पूरी होती है। भगवान विष्णु के सामने, भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने घी का दिया लगाए, अगरबत्ती लगाए, आंवले अर्पित करें, दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित करें और ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। आज स्नान के पानी में भी आंवले का पाउडर जरूर। आज अगर आपको आंवले का पाउडर नहीं मिलता है तो आंवला स्नान के पानी में डाल दें और उससे स्नान करें। आज के दिन नदी के पानी में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। जो लोग जा सकते हैं शुद्ध पवित्र नदियों में जाए, वहां जाकर स्नान करें, जैसे गंगा जी है, नर्मदा मैया है। कलयुग की सबसे शुद्ध पवित्र नदी से माना जाता है नर्मदा मैया, जो आदि नदी सृष्टि का अंत होने पर भी इस नदी का अंत नहीं होगा। सबसे पहले संसार में कोई नदी आई तो नर्मदा जी। आज भी नर्मदा परिक्रमा का बड़ा महत्व, लाखों लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं, इंसान की हर इच्छा पूरी होती है नर्मदा जी का ध्यान करने पर। नर्मदा जी ही वो नदी है जिसका हर कंकड़ शिव है, पत्थर है, कंकड़ शंकर जिसे कहते हैं। भगवान शिव की पुत्री है नर्मदा जी। तो आज के लिए जो जा सकते हैं नर्मदा जी में जाएं, स्नान करें। हाँ, कुछ मैंने देखा है नर्मदा जी का जब
नर्मदा जी के तट पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। आप देखो प्रलय आ जाता है, लोग गए स्नान के लिए पानी में डूब गए। ये चीजें, ये जो जगहें हैं, जो जैसे केदारनाथ में भी आप देखो प्रलय आ गया, लोग इन्हें पिकनिक का स्थान बना रहे हैं। ये तपस्या की भूमि है, अगर आपके अंदर तपस्या है तो जाए, बहुत इज्जत से स्नान करें, बड़े इज्जत से उनकी पूजा करें, माता जी को प्रसन्न करें, जीवन सफल हो। नदी तक नहीं पहुंच सकते तो नदी का पानी जल में मिलाएं और स्नान करें। दोस्तों जो पावन दिन है इन्हें सच में और पावन बना सकते हैं आप ये छोटे छोटे उपाय करें। आपको सुनने में वो बात छोटे लगते हैं लेकिन इनका रिजल्ट रिजल्ट है। भी आपने देखा होगा नर्मदा मैया के जो शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, एक यही शिवलिंग है जिन्हें आप घर में स्थापित कर सकते हैं। मेरे घर में जिस दिन मैं आपको होम वर्क करवाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग कैसे रखे हैं, जिन पर जलाभिषेक 24 घंटे होता है। नर्मदा जी के तट पर जब भी जाती हूँ तब मैं कुछ शिवलिंग ले आती हूँ, लेकर के ही आती हूँ। जिनको देते बनता है उनको बांट भी देती हूँ, बाकी हमारे व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स को भी हमारे यहाँ से जो शिवलिंग दिए जाते हैं इतने कम कीमत में। आप देखो पारद शिवलिंग घर के अंदर, अगर पारद शिवलिंग तो इससे भी आपका गजब का भला होता है। और हमारे यहाँ से जो कीमत पर आपको पारद शिवलिंग दिया जा रहा है कोई दुनिया में जैसा, मतलब हम जो ऑरिजिनल दे रहे हैं, फिर नकली चीज कोई कितने में भी देते अलग बात है। हमारे यहाँ से जो चीज आप तक पहुँचती है आप उसको कहीं पर दुनिया में दिखवा दो ऑरिजिनल है। तो आज के दिन दोस्तों इन तमाम चीज़ों को अगर आपके घर में है तो उनकी पूजा करें। जैसे कि ये जो एकादशी है रंगभरी एकादशी, आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ भगवान शिव पार्वती की पूजा का भी बड़ा महत्व है। तो आज अगर घर में आपके नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो उनका अभिषेक जरूर करें, पार्वत शिवलिंग है तो आज उनका भी आप अभिषेक जरूर करें। शिवालय में जाएं और जिन्हें पितृ को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है छेतों के कुछ पत्ते शिवलिंग के ऊपर रख दें, पितृदोष हमेशा के लिए चला जाएगा, पितृदोष कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। तो आज के इस दिन जो चीज सबसे ज्यादा आसानी से अवेलेबल है वो है आंवले, अभी बहुत मिल रहे हैं और आज के दिन आंवले का बड़ा महत्व है। तो जल में आंवला इतना तो कर ही सकते हैं जरूर करें। कोई ऐसी बात जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके पूछे। दूसरा कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार भी लिखें, जय श्री कृष्ण लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।